दोस्तों, अगर आपका सपना है दरोगा बनने का तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी जो दोस्तों दरोगा की जो भर्ती आई है, इस नई भर्ती के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, चाहे तैयारी को लेकर हो या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर, सिलेबस कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अगर आप दोस्तों एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपको सभी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो बाद में आपके साथ दिक्कत होगा, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 02/2023। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 5 नवंबर 2023। तो समय रहते आप सभी फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर लीजिएगा, डेट नहीं बढ़ाया जाता है बाद में। सीटों की संख्या आप देखिएगा, तो ये जो पोस्ट है दोस्तों पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, लेवल 6 का जॉब है, टोटल सीट है 1275 और फॉर्म 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। तो आपको समय रहते, और सबसे मेन है कि आपको एक ही आवेदन करना है, यानी एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। ये नहीं है कि आपको एक से अधिक आवेदन फिलअप करना है। अगर आप दोस्तों एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो बेहतर है कि आपको एक आवेदन फिलअप करना। अगर मिस्टेक हो जाता है तो उस कंडीशन में कैसे क्या होगा, आगे सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। आवेदन की पात्रता के बारे में देखिएगा, तो भारतीय नागरिक यानी इंडियन होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर तीनों के लिए फॉर्म है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा, तो 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या जो भी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद रिजल्ट आया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्द आ रही है, बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये जो चैनल है दोस्तों आपके काम का चैनल है, इस चैनल पर तैयारी से लेकर के हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता है, और वैकेंसी आने से पहले 1-2 महीने पहले ही आप लोगों को कन्फर्म जानकारी दे देते हैं। इसलिए आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा, 1 अगस्त 2023 के अनुसार काउंट होगा। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का यही एज लिमिट है, कट ऑफ डेट यहाँ पर 1 अगस्त 2023 है। मिनिमम की बात करें दोस्तों, तो आप किसी भी कैटेगरी से है तो मिनिमम 20 साल आपका 1 अगस्त 2023 के अनुसार होना चाहिए, ये 10th सर्टिफिकेट के अनुसार काउंट होगा। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। बाकी यहाँ पर पूरा दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा में हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, तो 3 साल पूरा कर लिया तो उस कंडीशन में आपको 5 साल की उम्र में छूट मिलेगा। एक्स सर्विस मैन के बारे में यहाँ पर है। शारीरिक मापदंड, तो हाइट का जो कंडीशन है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल EWS BC कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर, EBC में 160 सेंटीमीटर, SC ST में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी EBC SC ST पुरुष का छूट है। इसके बाद देखिएगा महिलाओं के लिए, तो 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। ये सभी कैटेगरी में, आप किसी भी कैटेगरी में महिला है तो 155 CM चाहिए। सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 81 से 86 होना चाहिए। अगर आप SC ST से है तो 79 से 84। वजन, तो वजन का कंडीशन ये महिलाओं के लिए, और सीना शुरू में आप देखें पुरुषों के लिए सिर्फ था, तो वजन जो होना चाहिए 48 किलोग्राम। ये सिर्फ महिलाओं का काउंट किया जाएगा। कब काउंट होगा, तो जब आप फिजिकल देने जाएगा उस समय। 48 kg मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम यानी 50, 55, 60 कुछ भी रहे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, यानी मिनिमम आपका 48 होना चाहिए। थर्ड जेंडर के लिए फिजिकल का जो भी प्रक्रिया है BC कैटेगरी में महिलाओं के समान रखा गया है। इसके बाद है नियुक्ति की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 चरणों से गुजरना है। लिखित परीक्षा में 2 चरण है, PT एग्जाम, मेन्स एग्जाम, तीसरा है फिजिकल। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेन्स एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा। प्रथम चरण जो है प्रारंभिक परीक्षा, ये टोटल 200 अंकों की, यानी इस एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी 200 अंकों की परीक्षा है, जिसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है, लेकिन आपका 30% सिलेक्शन नहीं होगा, ये है कट ऑफ। तो पहले क्या होता था 2018-19 वाले भर्ती में देखिएगा, EBC SC ST में महिलाओं का कट ऑफ मिनिमम पर ही सिलेक्शन होता था, लेकिन अब महिलाओं का भी मिनिमम पर सिलेक्शन नहीं होता है, यानी आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत हार्ड अब नहीं पूछा जा रहा, तो लगभग आपको 70% प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 100 में से 70 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए प्लस, समझिए।
पीटी एग्जाम में टोटल 100 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग 0.2 अंक का आ जाएगा। क्या आप लोग निगेटिव को लेकर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, एक वीडियो में अच्छे से इसके बारे में क्लियर कर देंगे। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी लगभग 26,000 रिजल्ट आएगा पीटी एग्जाम में। इसके बाद जो भी 26,000 पास होंगे उसका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है हिंदी का, जो कि 2 घंटे का पेपर है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, यानी 100 में से आपको 30 क्वेश्चन सही करना है। हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। दूसरा पत्र होता है समान अध्ययन, जिसमें आपको समान अध्ययन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, मानसिक योग्यता जाँच, गणित से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ भी मार्क्स का वही कंडीशन है, यानी 200 मार्क्स की ये परीक्षा है। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पीटी मेंस, मेंस में दोनों पेपर में भी 2 घंटा का ही समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसके बाद मेंस में दोस्तों वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, तृतीय चरण। तो फिजिकल टेस्ट में देखिएगा दौड़ है, पुरुषों के लिए 1 मील की दूरी, 1600 मीटर की दूरी 6.5 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में। इसके बाद देखिएगा आप ऊंची कूद है दोस्तों, पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट का कंडीशन है। लंबी कूद लॉन्ग जंप 12 फीट है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट। इसके बाद है गोला फेंक, तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 फीट। गोला फेंक में आप नहीं छटने वाले, दिक्कत होगा आपको दौड़ में और हाई जंप में। इसके बाद है महिलाओं के लिए, तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट आपको फेंकना है। पाउंड मतलब ये समझिएगा कि आधा किलो यहाँ पर, यानी 12 पाउंड है तो लगभग 6 किलो समझिए, 16 पाउंड है तो 7.5 किलो के लगभग अप्रॉक्स आता है इसमें। इसके बाद है दौड़, गोला फेंक, ये सब में आपको जो है यहाँ पर 6.5 मिनट का समय जो भी है ये पूरा करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, ये तीन जो चीज़ है इसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी दौड़ में कोई चांस नहीं मिलता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देखिएगा तो ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में 3 मौका दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड जेंडर के बारे में है कि यहाँ पर सारा कुछ होना चाहिए। इसके बाद है मेधा सूची, मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जो है आपका मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनेगा, और मेंस एग्जाम में दूसरा वाला जो पेपर है समान अध्ययन का, उसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला। ये जो टोटल है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग इसमें से आपको 80 क्वेश्चन इस बार सही करना पड़ेगा। सीट कम है इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा पिछली बार की कंपेयर में। इसके बाद है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, तो जो भी आप फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स दीजिए। 10वीं बोर्ड का जो भी प्रमाण पत्र पर नाम लिखा वही हूबहू आपको फिलअप करना, अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। अगर आपके पिताजी का डेथ हो गया तो उस कंडीशन में लेट, ये सब चीज़ें कुछ भी आपको नहीं लगाना है, बस जो सर्टिफिकेट पर है वही हूबहू आपको फिलअप करना है। अगला यहाँ पर देखिएगा रिक्तियों के बारे में। दूसरा चीज़ यहाँ पर दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो जाइए आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, जहाँ पर बेहतरीन तैयारी शुरू हो गई है। और देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा समय परीक्षा में नहीं है, बहुत ही कम समय है, तो इस कम समय में आपको फिक्स चीज़ें ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहिएगा एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो हम आप लोगों को जो फिक्स चीज़ है वही सब तैयारी करवाने वाले हैं। और आपको ये भी पता ही होगा कि पिछला बार मेरा भी रिजल्ट हुआ है, तो अच्छे से पता है कि दरोगा आयोग कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से VVR टॉपिक है, तो अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। तो आप सभी को ज़रूर जुड़ जाना है। सीटों की संख्या के बारे में यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। टोटल सीट जो है दोस्तों 1275 है। इस 1275 सीट में से देखेगा तो 368 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये अलग से सीट नहीं है, इसी में से है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से कट ऑफ तिथि, यानी आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य अर्हता संबंधित है, ये 1 अगस्त 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट कब होता है, तो देखिएगा अभी क्या होगा कि पीटी मेंस का रिजल्ट आएगा, फिजिकल होगा, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। इसके बाद ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों का मेडिकल होगा, तो यानी मेडिकल में इसमें दिक्कत नहीं होता है, नॉर्मली मेडिकल होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तभी आप छटने वाले हैं। फॉर्म आप BPSSC आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से 5 अक्टूबर से शुरू हो गया है। फॉर्म का फी देखिएगा तो अगर आप SC ST और किसी भी कैटेगरी में महिला है तो आपको 400 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग वैसे अलाउ ही नहीं है, थर्ड जेंडर के लिए 400 रुपये है।
और आप किसी भी कैटेगरी यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एबीसी से है, पुरुष है, तो आपको 700 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी 700 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा। यानी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए 400 रुपये का पेमेंट रखा गया है। पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से फिलअप कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, और देखिएगा रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म बिल्कुल आपको सही फिलअप करना है, जिसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सही जानकारी देना। बाद में जो भी भविष्य में सूचनाएं हैं आपको मोबाइल ईमेल आईडी पर ही दी जाएगी। इसके बाद देखिएगा तो एक ही आवेदन आपको फिलअप करना है। अगर आप एक से अधिक करते हैं तो आपके आवेदन को अस्वीकृत यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र मिलाने समय जो भी आप दिए हैं डिटेल्स वही हूबहू आपको मिलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा गलत आरक्षण कोटी अगर आप फिलअप करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और अगर फॉर्म फिलअप करना है, अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो सुविधा है दोस्तों, जब आप फॉर्म फिलअप कर दिए या फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो पंजीकरण रद्दीकरण यानी कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल का ऑप्शन रहता है, एडिट नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपका फॉर्म का फ़ी है चाहे 400 लगा है या 700, ये वापस नहीं मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिए तो अब आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिना कैंसिल किए फिलअप कीजिएगा तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर सही तरीके से फिलअप करना है, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाकर देंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा और सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। गलत बिल्कुल मत कीजिएगा, गलती कर लीजिएगा फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो तैयारी का मतलब क्या। फॉर्म में देखिएगा फ़ोटो सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड करने के लिए कहा गया, अगर आप ये सब गलती करते हैं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, सबसे मेन है कि भर्ती प्रक्रिया जो है 6 महीने में ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो लिखित परीक्षा का डेट देखिएगा तो 17 दिसंबर वाला जो डेट बताए हैं, एक नोटिस भी आप लोगों को दिखाए हैं, पूरी संभावना है कि उसी डेट में होगी। अगर डेट बढ़ता भी है तो 1 सप्ताह के लिए डेट बढ़ेगा, तो इसलिए आप सभी मिशन बोर्ड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जाइए, आप सभी जुड़ जाइए, जहाँ पर बेहतरीन तैयारी आप लोगों को दिखेगा। कम ही समय, मात्र 2 महीने का समय है। अगर आप जम के तैयारी कीजिएगा, सही तरीके से सही दिशा में तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको फुल डिटेल्स मिल गया। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वीडियो आप लोगों को फॉर्म भरने से रिलेटेड भी बनाकर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा और इसके बाद ही सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।